आज के वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट्स के बारे में। इमोशनल अटैचमेंट्स क्या हैं और इनसे कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं आप, और क्यों इस जर्नी में इमोशनल अटैचमेंट्स को लूज़ करना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ये अटैचमेंट्स को लेट गो करने की ही जर्नी है। तो आइए जानते हैं कि अटैचमेंट्स क्या होते हैं। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ एनर्जी ज़रूर क्लेम करके जाइएगा नीचे। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्लेम करके जाइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एनर्जी को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एनर्जी को क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होते हैं अटैचमेंट्स? अटैचमेंट और लव में क्या फ़र्क है? लव इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। अटैचमेंट्स क्या हैं? ये होते हैं टॉक्सिक वेज ऑफ लव। लव है लेकिन कब वो टॉक्सिसिटी में बदल जाता है? जब वो एक अटैचमेंट का रूप धारण कर लेता है। किसी भी रिलेशनशिप का टॉक्सिक वे से आप किसी के साथ क्लिंगी एनर्जी, कोई आपके साथ लगी हुई है या आप किसी के लिए क्लिंगी एनर्जी बने हुए हैं, इट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट्स, योर अनहेल्दी अटैचमेंट्स। तो क्या है अटैचमेंट्स? मुझे ये चीज़ चाहिए, फला चीज़ मुझे पसंद है, मुझे यही पर्सन चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं इसी पर्सन को चाहती हूँ, मुझे इसी घर में रहना है, ये मेरा है वो मेरा है। यानी कि जो कुछ भी आप मानते हैं कि आपसे बिलोंग करता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे बिलोंग करता है, या आप खुद भी मानते हैं कि आप किसी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके अटैचमेंट्स का रूप है, समझे। इसीलिए हम लव को अनकंडीशनल बोलते हैं, क्योंकि लव में ये नहीं होता है, जबकि अटैचमेंट्स में एक पोजेशन की फीलिंग होती है, पोजेसिवनेस होती है, जो कि एक अनहेल्दी फॉर्म ऑफ लव है। डेफिनेटली बिल्कुल भी ये एक हेल्दी लव नहीं कहा जा सकता। अटैचमेंट्स आपके लिए और सामने वाले के लिए, दोनों के लिए दुखदाई होते हैं। बहुत सुपरफिशियल भी होते हैं अटैचमेंट्स। इसी मग में चाय पीना है, इसी पिलो के बिना नींद नहीं आती है, ठीक है। इसी मतलब कुछ भी आप किसी भी पर्सन के साथ कह लीजिए, किसी भी चीज़ के साथ कह लीजिए, अगर आपकी इस टाइप की अटैचमेंट कोई डेवलप हो गई है कि आपको बस उसके बिना आप रह ही नहीं सकते हैं, तो ये आपके अटैचमेंट हैं और ये बहुत अनहेल्दी होते हैं, और इनको लेट गो करना और इनसे पीछा छुड़ाना ही आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुछ पसंद करना, किसी से प्यार करना एक अलग चीज़ है, लेकिन हर वक्त सिर्फ सब चीज़ को किनारे करके सिर्फ उसी व्यक्ति या सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचना, उसे अपनी जिद बना लेना, ये अटैचमेंट्स हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं। हर वक्त उसी चीज़ को याद करते रहना, उसी इंसान को याद करते रहना, उस चीज़ को या उस इंसान को पाना, अपनी जिद बना लेना, दूसरा एक तरीका है अनहेल्दी अटैचमेंट्स का, कि सर्टेन वे में ही मेरा पार्टनर बिहेव करे, कोई भी इंसान ऐसे वे में बात करे, आपके अकॉर्डिंग रहे, आपकी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी आपके अकॉर्डिंग चले, आप उनके लिए डिसीज़न लें, आपने कहा तो उन्होंने कैसे नहीं माना, आपने कहा तो उन्होंने कैसा वैसा बिहेव क्यों नहीं किया जैसा आप चाहते थे, ये रिश्ता किस तरह से वर्क करे, ठीक है। ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ, बस वैसा ही सब कुछ हो, वैसा ही सब कुछ चले, लोग ऐसे ही सोचें, मेरा पार्टनर एक सर्टेन वे में ही बिहेव करें, लोग मुझसे एक सर्टेन वे में ही बातचीत करें, ठीक है। ये इतना डीप हो सकता है, आपका पार्टनर किस तरह से रिएक्ट करे, किस तरह से बात करे, किस तरह से आपको जवाब दे, ये सब जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जबकि सच ये है कि सब अगर एक दिन के लिए भी आपके हिसाब से होने लग जाए ना,
बिलीव मी, जैसा आप चाहते हैं हर चीज़ अगर परफेक्टली वैसा ही होने लग जाए तो भी आप बोर हो जाएंगे इस लाइफ से, ठीक है। क्योंकि हर इंसान की अपना जीवन है, हर इंसान आपको ये मतलब मानना पड़ता है कि आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, आपको छोड़ा जा सकता है, ठीक है। कोई मजबूर नहीं है आपको प्यार करने के लिए। आप चाहे जाने के काबिल हैं ये अलग बात है, लेकिन कोई आप ही को चाहे ये एक अलग बात है। ये पॉजिटिवनेस को आपको छोड़ना होता है। हर चीज़ बैलेंस में तभी चलेगी जब हर एक अपनी बुद्धि से अपने हिसाब से डिसीजन लेगा और एक दूसरे को रिश्ते में उतनी स्पेस दी जाए कि वो अपने अपने हिसाब से चलें, अपनी ज़िंदगी जिएं, अपने डिसीजंस खुद लें। ये होता है एक हेल्दी तरीका। किसी को सलाह देना, किसी को सही मार्ग दिखाना गलत नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि वो सिर्फ आप ही के बताए मार्ग पर चलें ये गलत है, ये रिश्ते का सही स्वरूप नहीं है। क्या करना होता है ऐसे में, अगर आपको समझ आता है कि आपके अटैचमेंट इश्यूज हैं तो क्या करना होता है? बस मोमेंट टू मोमेंट लाइफ को जीना शुरू करें, बहुत ज़्यादा आगे पीछे का ना सोचें, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। जो अभी है वही सत्य है, जो अभी आपके पास है, जो अभी घटित हो रहा है सामने, बस वही सच है। आप यहाँ हैं, आपका ध्यान कहीं और है, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत छोटा से छोटा काम भी अगर आप कर रहे हो ना, बस आप उसमें रहो। अगर आप किसी बच्चे से भी बात कर रहे हो ना, तो बस आप सिर्फ उससे बात करो, ठीक है। लोग होते हैं कि बात किसी और से कर रहे हैं, दिमाग कहीं और चला रहे हैं, बर्तन घिस रहे हैं या झाड़ू लगा रहे हैं और दिमाग इधर और ही चल रहा है, हाथ चल रहे हैं काम में और दिमाग कहीं और चल रहा है, पेन चल रहा है लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा है। ये बिल्कुल भी ज़िंदगी जीने का सही तरीका नहीं है। इसको बिल्कुल सही करिए, पास्ट मेमोरीज़ को रिलीज़ करिए, प्रेजेंट में ही रहना सीखिए और फ्यूचर की चिंता छोड़िए, क्योंकि फ्यूचर आपने देखा नहीं है। फ्यूचर आपके आज के एक्टिविटीज़ से आप अपना फ्यूचर खुद बना रहे हैं, तो बिल्कुल आपको उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर टू डिवाइन एंड लिव योर लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट।